देखिए दोस्तों, आप लोग पेपाल ने मुझे लाइव मैसेज चैट किया था, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोग ऑटोमेटिकली कंफर्म हो जाएगा। आप लोगों को कंफर्म की ज़रूरत नहीं है, चूस मोर डिपॉजिट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों ज़रूरत है, आप लोगों के पास अमाउंट है तो आप लोग डालना होगा। तो मेरे पास डाल रहा था लेकिन इनकरेक्ट दिखा रहा है दोस्तों, इसलिए ऐसा बोल रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आप लोग पेपल अकाउंट को कैसे बनाना है मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ गाइस। तो आज आप लोग बनाना चाहते हैं तो आप लोग पहले यूट्यूब में बहुत सारा वीडियोस होगा, आप लोग उसको देख लेना पहले, उसके बाद भी आप लोग दोस्तों तो आप लोगों को बाद में प्रॉब्लम आ जाएगा गाइस। तो मुझे भी कुछ प्रॉब्लम आया बैंक ऐड करने में, कुछ किया नहीं करने में, बहुत परेशानी आ चुका है, तो प्रॉब्लम आ चुका है। तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ स्टेप बाई स्टेप। तो आप लोग बैंक अकाउंट पेपल अकाउंट बनाने के बाद आप लोगों के पास क्या क्या करना पड़ेगा आप लोगों को मैं अभी बताने वाला हूँ। तो आप लोग पहले बनाना चाहते हैं तो आप लोग बिजनेस और इंडिविजुअल अकाउंट को आप लोग चूज़ करना होगा। इंडिविजुअल के लिए आप लोग इंडिविजुअल सेलेक्ट करने के बाद आप लोग यहाँ पर नेक्स्ट करना होगा गाइस दोस्तों। तो आप लोग जैसे नेक्स्ट कर दोगे उसके बाद आप लोगों के पास फ़ोन नंबर डालने को बोलेगा दोस्तों, फ़ोन नंबर डालने को बोलेगा। उसके बाद आप लोग फ़ोन नंबर डालना होगा, डालने के बाद आप लोग जीमेल अकाउंट भी डालना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों के पास क्या होगा, पास एक जीमेल अकाउंट कंफर्मेशन आ जाएगा ऐसा। जैसे आप लोग बनाएगा आप लोगों के पेपल अकाउंट हो जाएगा तो आप लोगों के पास ऐसा आ जाएगा दोस्तों। देखो यहाँ पर प्लीज़ कंफर्म योर ईमेल अकाउंट। तो आप लोग इसको क्लिक करके आप लोग यहाँ पर आप लोगों को कंफर्मेशन करना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पर जैसे आप लोग कंफर्म करेगा उसके बाद आप लोगों को केवाईसी सबमिट करने के लिए बोलेगा आप लोगों को। आप लोगों के पास पैन कार्ड होने चाहिए और आधार कार्ड होने चाहिए, एक को आप लोग आधार कार्ड नहीं तो पैन कार्ड को डालना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों का एक्टिव हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद आप लोग जैसा है आप लोग बैंक अकाउंट डालेगा आप लोगों की, जैसा है आप लोग पेपल अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोगों को बैंक अकाउंट ऐड करने को बोलेगा दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग IFSC कोड डालना होगा, उसके बाद आप लोग यहाँ पर आपके अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों के पास स्मॉल डिपॉजिट कंफर्मेशन अमाउंट आ जाएगा, वहाँ से आप लोग डालना होगा। यहाँ पर देखो मेरा चेकिंग हो रहा है, तो आप लोग कंफर्मेशन नहीं करेगी तो भी आप लोगों को ये बैंक अकाउंट चलेगा दोस्तों। तो मैंने लाइव चैट किया है, तो यहाँ पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं उन लोगों के पास, पेपाल वालों को आप लोग चैट कर सकते हैं गाइस। तो वहाँ से मैंने चैट किया है, मैं दिखा दूँगा, वीडियो भी मैं दिखाऊँगा आप लोगों को मैंने क्या क्या चैट किया था उन लोगों को। तो आप लोग बिना कंफर्मेशन करके भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं गाइस। तो यहाँ पर आप लोग दिखाई दे रहा होगा कंफर्म बैंक, यहाँ से आप लोग कंफर्म बैंक को करेगा तो आप लोगों के पास जो अमाउंट आप लोगों को भेजा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा यहाँ पर। तो पहला वाला आप लोग पहले आने वाले को डालना होगा यहाँ पर, उसके बाद आप लोगों को नीचे पहले और आ जाएगा। तो मेरे पास पहला एक आया था, ये आया था और उसके बाद ये आया था। तो मैं इसको कंफर्म करेगा तो इनकरेक्ट दिखा रहा है, तो इसके लिए मैंने कंफर्म नहीं करता, मैंने सही अमाउंट डाला था। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ पेटीएम में। देखो गाइस, ये वाला पे रिसीप्ट फ्रॉम पेपाल से आया था। देखो पहला तो आया था 0.08 पैसा आया है मेरे को, देखो ये। उसके बाद फेबुअरी 3 में आया था 8:52 में आया था, और यहाँ पर 50 मिनट में आया था। तो दोस्तों ये अमाउंट आप लोगों को डालना होगा, जो भी बैंक डालेगा आप लोग SBI भी हो जो भी हो आप लोग जाके अपडेट करो, अपडेट करने के बाद आप लोग आ जाएगा दोस्तों। आप लोगों को 6 दिन या 2 दिन या 4 दिन लग जाएगा, तो आप लोगों को यहाँ पर आने में अमाउंट आने में थोड़ा
मेरे तो कितना आया था, मैंने 2 दिन में आया था गाइस। उसके बाद आप लोग बिना कंफर्म करके भी आप लोग चला सकती है गाइस, ऐसा बोल रहा है तो मैं आप लोगों को वीडियो दिखाता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तो आप लोग मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना गाइस।